गोरखपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यातायात विभाग द्वारा नित्य नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत यातायात विभाग द्वारा स्कूल और कॉलेजों में यातायात के नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के इसी कड़ी में यातायात विभाग द्वारा मंगलवार को मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर यातायात विभाग के टी सुनील कुमार सिहांत, TSI जग नारायण और मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान सहित कॉलेज के कई शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान यातायात विभाग के टी सुनील कुमार और TSI जग नारायण ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों को लेकर कई आवश्यक जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि यदि बड़ों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी यातायात नियमों का सही से पालन करें तो न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा बल्कि जान माल का भय भी दूर होगा। ये कहीं हमने इधर देख रहा हूँ, बहुत से लड़के इसलिए हो सकते हैं सर, मैं उन लड़कों को मैं देखता हूँ ऐसे गाड़ी चलाते हुए चलते, गाड़ी ऐसे चलाते हैं ठीक है, लेकिन ये कौन से ट्रेनिंग उनको दिया गया तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं। आप लोग भी आते जाते होंगे, देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता। वो तेज गति से वाहन चलाते हैं तो आप सोचते होंगे कि हमारे माता पिता का नाम होगा, मेरा नाम होगा, और यूनिफार्म को पहने हैं तो मेरे विद्यालय का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। लोग आपको पूछते हैं किस रास्ते से तेज गति से वाहन चलाते हुए भागते हैं, तो आपको जनता पूछती है, तो आपके माता पिता को भी पूछती है। तो इससे बचे आप ऐसा कार्य न करें जो अपने लिए अपने माता पिता के लिए भी अच्छा न हो। तो धीमे गति से वाहन चलाएं, अगर कहीं जा रहे हैं ब्लाइंड मोड हो, अंधा मोड हो, सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने वाहन को धीरे कर ले, धीमी गति कर ले, इंडिकेटर दें और हॉर्न भी बजाएं, आप किनारे से निकल जाएंगे। वो भी न ब्लाइंड मोड है तेजी से गए, न इंडिकेटर दिए, हॉर्न दिए, उधर से आने वाला मारा वो आप वहीं गिरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखें, जो भी बात ये बताई जा रही है सड़क पार करते समय दो पहिया पर हेलमेट सीट बेल्ट, सड़क पार करते समय तमाम जगहों पर चिन्ह लगा हुआ, यात्रा चिन्ह लगे हुए, वो चिन्ह इसीलिए लगे हैं कि दुर्घटनाएं ना हो, तो निश्चित तौर पर आप कुशल से रहेंगे, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, बच्चे मैं देखता हूँ कि सड़क पर आते हैं, गली कूचों से आते हैं, गलियों से आते हैं और तेज रफ्तार से सड़क पर आ जाते हैं। जब आप तेज रफ्तार से आएंगे तो जो सामने चल रहा है निश्चित तौर से वो टकरा जाए, तो आपकी तो गलती है और जिसकी गलती नहीं वो भी भोगे, क्योंकि आपके आपके माता पिता का आपका भी कुछ लक्ष्य होगा, आपके माता पिता का भी है, इस राष्ट्र का भी है। आप कुशल से रहेंगे, पढ़ेंगे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS IPS बनेंगे तो आपके माता पिता का नाम होगा, आपका विद्यालय का नाम होगा, और माता पिता का भी सेवा करेंगे, राष्ट्र का भी सेवा करेंगे। तो बच्चों जब सुरक्षित रहेंगे, बहुत तेज गति गाड़ी चलाते हैं, इसमें भी मैं देखता हूँ दो तीन बातें बहुत जरूरी है कि तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, इसको ध्यान रखें। ये समझिए कि आप अपने मम्मी पापा का सपना, अगर आपको जरा सी भी खींच आएगी गलत तरीके से, अगर आपने वाहन चलाया, आपकी चोट लगी, तो ये समझिए कि आपके मम्मी पापा का पिता दुख। अगर जरा सी भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है जिससे आपको चलने फिरने में या आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ये समझिए आपके माता पिता, जो माता पिता हैं वो जीते जी बिल्कुल टूट जाएं। इसलिए अपने वाहन बिना हेलमेट के ना चलाएं, कम गति से चलाएं, तीन सवारी ना करें, ये सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको आपका ध्यान आपके मम्मी पापा करते हैं। अब जैसे अभी आप जाएंगे तो मम्मी को इंतजार होगा मेरा बेटा आ रहा होगा,
तो आप हमेशा स्कूल से छूटकर घर जाए या घर से स्कूल आए या कहीं मार्केट में जाए, ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा।